Hello friends, welcome to our YouTube channel infoGyan. बेसिक सैलरी में हुई 22% की बढ़ोतरी, साथ में मिलेगा 3 साल का एरियर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कर्मचारियों ने 3 साल पुरानी लड़ाई जीत ली है। उनकी बेसिक सैलरी में 22% तक बढ़ोतरी की गई है। HAL प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच हुए समझौते के मुताबिक स्केल 1 से 10 तक के वर्कर को फिटमेंट बेनिफिट 12% होगा, साथ ही अलाउंस को बढ़ाकर 25% कर दिया गया है। वहीं वर्कमैन की रिवाइज बेसिक पे बढ़ाकर 22% तक कर दी गई है, साथ में दूसरे भत्ते भी मिलते रहेंगे। क्या हुआ है समझौता? यह समझौता 1 जनवरी 2017 से प्रभावी माना जाएगा। कंपनी ने BSE को बताया कि प्रबंधन और कर्मचारियों ने समझौते पर 10 दिसंबर 2019 को हस्ताक्षर हुए हैं। कंपनी के वर्कर्स ने सैलरी स्ट्रक्चर में सुधार की मांग को लेकर 14 से 22 अक्टूबर तक हड़ताल की थी। वे अधिकारियों की ही तरह अपने लिए भी 15% फिटमेंट बेनिफिट और 35% अलाउंस की मांग कर रहे थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी 2 दिसंबर को राज्यसभा में कहा था कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद वर्कर्स काम पर लौट आए हैं, लेकिन प्रबंधन और श्रम संगठन के बीच बातचीत जारी रहेगी। HAL आर्मी, नेवी और इंडियन एयरफोर्स के लिए लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर बनाती है। इसकी देश भर में 16 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, साथ ही 9 रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स भी हैं, जिनमें 30,000 से ज़्यादा वर्कर्स हैं।